तक नाश्ता कमरे में ही करने का इरादा है क्या? नाश्ता तो मैं वहीं करूंगा, लेकिन ये देखो ये क्या है? क्या क्या हाल किया है मेरे शर्ट का, ये देखो। हे भगवान, ये तो चूहे ने काट लिया है। मैंने कब कहा कि कुत्ते और बिल्ली ने काटा है? अरे थोड़ा तो ध्यान रखो। वही तो उस चक्कर में अलमीरा खुला छोड़ दिया और चूहे घुस गए होंगे। वही तो, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ हमेशा, लेकिन ये चूहे है कि मानते ही नहीं है। कितने दिनों से परेशान करके रखा है, अब अलमारी में घुस जाएंगे, ये किसको पता था। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ है? मेरी शर्ट काट दी तो अच्छा हुआ, और तुम्हारी साड़ी कुतर देते तो? अरे वैसे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ ये शर्ट कुतर गए। कम से कम इस बहाने से आप नई शर्ट तो खरीदेंगे। कब से आपको बोलती आ रही हूँ कि 2-3 नई शर्ट खरीद लीजिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। खन्ना साहब को देखिए, पता है खन्ना साहब क्या कहते हैं? वो खन्ना मेरे शर्ट के बारे में क्यों कुछ कहता है? अरे आपकी शर्ट के बारे में नहीं, वो कहते हैं कि इससे पहले कि कपड़े आदमी से बोर हो जाए ना, आदमी को कपड़ों से बोर हो जाना चाहिए और नए कपड़े ले लेने चाहिए। बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हो गई। अभी जाओ जल्दी से नाश्ता लगाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ लगाती हूँ, जल्दी से आ जाइए, गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अरे तो समझाइए ना। मेरा कहने का मतलब है, आखिर नगर पालिका कितने घरों में घुसकर चूहे पकड़ेगी? अब मान लीजिए चूहे पकड़ भी लिए और उन्हें मार दिया, तो नगर पालिका के चूहे कौन मारेगा? अब आप समझिए, सरकारी विभाग इज फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक और टू द पब्लिक। चूहा पकड़ने के काम में आप हमारा सहयोग कीजिए, अपने घर के चूहे खुद पकड़िए, चूहा पकड़ने के बदले सरकार आपको 100 रुपए देगी। इसका मतलब है कि एक चूहा पकड़ने पे 100 रुपया मिलेगा। बाबा मूषक मिश्रा की जय। बाबा मूषक मिश्रा की जय। बाबा मूषक मिश्रा आपके कुत्ते वाली गली में पधार चुके हैं। बाबा मूषक मिश्रा आप लोगों को अंधकार से निकालने तथा पाप से बचाने आ गए हैं। बाबा मूषक मिश्रा के आइए, तब काम धंधा छोड़ के आइए आप लोग, दुनिया को विनाश से बचाइए, बाबा का मंत्र अपनाइए। आइए आइए आप सभी लोग आइए, बाबा के दर्शन लीजिए। नमस्कार भक्तों, हमने 12 वर्षों तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की, तत्पश्चात हमें श्री गणेश जी के परम भक्त बनने का अवसर प्रदान हुआ, और आज हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा शहर गणेश जी के वाहन को मार रहा है, उन्हें पकड़ रहा है, उन्हें नाना प्रकार का कष्ट दे रहा है। बहुत ही दुख हुआ हमें, नहीं भक्तों। श्री गणेश जी कल रात वो मेरे स्वप्न में आए और बड़े ही दुख के साथ मुझसे बोले कि वत्स, तेरे रहते क्या हो रहा है, मेरे प्रिय वाहन श्री मूषक को मुझसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यदि आपका वाहन आपसे छीन लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मोटरसाइकिल, साइकिल, कार आपसे अलग कर दिया जाए तो आपको कैसा प्रतीत? आपके बच्चे सही समय पर स्कूल न जाए, आप ऑफिस न जा पाए तो आप कैसा अनुभव करेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक उसी प्रकार हमारे गणेश जी अपने वाहन के बगैर अपना काम यानी कि आप लोगों का कल्याण कैसे करने आएंगे? हाँ, अब इस शहर में कोई कल्याण नहीं होगा कोई कल्याण कदापि नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे शहर में केवल और केवल आपका साम्राज्य स्थापित। पर मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं इसी वक्त से चूहों को मारने का विरोध करते हुए अपने भूख हड़ताल का ऐलान करता हूं कि ये जो हमारी योजना है, चूहा पकड़ो धन कमाओ, ये ऐसे भी कंगाली में चली गई है। अब इसे अगर ऐसे ही बंद कर देंगे तो किरकिरी हो जाएगी, जनता का भरोसा हम पर से उठ जाएगा। बहुत दे चुके हम जनता को, अब बारी उनकी है, अब वो हमें देंगे धन भी, भरोसा भी। डन। भाइयों और बहनों, बाबा जी के साथ चंद वार्तालाप करने के बाद भाई हमारी तो आंखें खुल गई।
क्या है कि जिन चूहों को हम लोग छोटा सा जानवर समझकर पकड़ने चले थे, आज उसी की वजह से हम सब पाप के भागीदार बन गए। भाई और बहनों, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ये भोली भाली जनता, मतलब कि आप लोग, और ज्यादा पाप का भागीदार बने। इसीलिए हमने कल रात को ये निर्णय लिया कि ये जो योजना है चूहा पकड़ो, इसे बंद कर दिया जाए। इस योजना को लागू करके हम भी थोड़ा पाप के भागीदार बन गए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक छोटी सी भेंट बाबा जी को समर्पित कर रहा हूं, ताकि बाबा जी श्री गणेश भगवान जी से प्रार्थना करें और हम सब ने जो पाप किया है उसे दूर करें। अरे लाओ भैया लाओ। बाबा जी इसे स्वीकार करें। माइक दो। हाँ, अब हम ये आशा करते हैं कि हमारे बाबा जी अपनी भूख हड़ताल को तोड़ेंगे और हम सबको कृतार्थ करेंगे। अरे भैया कोई जूस तो लाओ। भाई साहब, किसने कह दिया कि आप लोगों को चूहों का आतंक झेलना पड़ेगा? अरे हमारे पास उनके आतंक से बचने के लिए दूसरी योजनाएं भी है, जिससे कि ना तो हमें पाप लगेगा और ना ही हमारे घरों में और गलियों में चूहे दौड़ेंगे। अच्छा, तो क्या आप हम सबको बता सकते हैं कि ये योजनाएं क्या है? हाँ, भाई और बहन, हम चूहों के आतंक से बचने के लिए विदेशों से बिल्लियों को इंपोर्ट करेंगे और उन्हें अपनी गलियों में छोड़ देंगे। उससे ये होगा कि वो बिल्लियां चूहों को चट कर जाएंगे और जो चूहे मारने का पाप है हमारे ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा बिल्लियों के ऊपर। क्या योजना है? बाबा एक बात बताइए, ये बिल्लियों को जो पाप चढ़ेगा उसे कौन उतारेगा? हम बताते हैं वक्त, हम बताते हैं। महाराज भूख हड़ताल है। अब बाबा जी माइक। हाँ हाँ, अब बिल्लियां अपना पाप कैसे उतारेंगे? अबे तो बिल्लियां और उनके भगवान जाने, इसमें हम मनुष्य क्या कर सकते हैं? अब हमें पता नहीं कि इन विदेशी बिल्लियों के भगवान होते भी हैं या नहीं। तो नेताजी बताइए कि जब शहर में लोग बिल्लियों की आबादी से परेशान हो जाएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, है ना, है योजना है। हाँ, और वो योजना ये है, सुनो सब लोग सुनो, क्या क्या है कि हम जर्मनी से कुत्ते मंगवा लेंगे और उन बिल्लियों के पीछे छोड़ देंगे। और क्या, बस। क्या बात, सुना आप लोगों ने, इनकी योजनाएं सिर्फ सुना या समझ में भी आ गया है कि आप लोगों की समस्याएं जस की तसी रह गई, आप लोगों की परेशानियों में कहीं कोई कमी नहीं आई। वही कुत्ते, वही बिल्लियां, वही चूहे, वही पाप। अभी भी आप लोगों को अगर लग रहा है ना कि नेताजी आप लोगों की समस्या का समाधान बताएंगे तो भूल जाइए, आप लोगों को खुद ही लड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है और आप लोगों को लगता है कि आपने पाप किया है तो कीजिए दान, लेकिन मैं और मेरा परिवार इस पाप में ही खुश है। बस चौबे जी बस, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सब समझ गए अब। क्यों भाइयों? समझ गए। भगवान भैया, हम आपकी बात से एकदम सहमत हैं। लपेट लिया? जी बाबा। झोले में रख लिया? जी बाबा। चूहों से तो हम बाद में निपटेंगे। हाँ। पहले ये नेताजी और ये बाबा जी को हम अपनी योजना समझा देते हैं। सोले भोले, मतली गली से होले, नहीं तो इतना मार पड़ेगा कि सर पर बाल भी नहीं होंगे। चल निकल ले जल्दी से। आप